माय यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस। मैं चिन्मय यादव आज संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि संख्या पद्धति के अंतर्गत हमारी विभिन्न प्रकार की संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला नंबर हमारा आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ……। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी एक होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी, मतलब कि जहाँ हम गणना ही नहीं कर सकते। कोई एक बताएगा तो कोई उससे बड़ा बता देगा, दो बता देगा, इसलिए प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी अनंत। बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, ……। प्राकृतिक संख्या में शून्य को गणना नहीं की जाती, प्राकृतिक संख्या में शून्य की गणना नहीं की जाती है, जबकि पूर्ण संख्या में शून्य की गणना की जाती है। इसलिए हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिन्हें दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात उसमें से फल ना बचे, इस प्रकार की संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, ……। मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमें दो से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, अर्थात उसमें से फल नहीं बचेगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 × 4 हमने 2 ले लिया, तो 2 × 2 तथा जितनी भी संख्या इसके अंतर्गत आएंगी उन्हें 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, उनमें से फल नहीं बचेगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाए? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 2। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें दो से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित न हो, अर्थात उसमें शेषफल बच जाए, इस प्रकार की संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, ……। प्राकृतिक संख्याएं। सबसे हमारी छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, अर्थात ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाते हैं, जैसे 4, 6, 8, ……, 10, 12, ……। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 ले लिया, 4 को अगर फैक्टर करते हैं, 1 × 4, 2 × 4, 4 × 4, मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 8, 1 × 8, 2 × 8, 4 × 8, 8 × 8, मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 9, 9 × 9, 3 × 9, 9 × 9, मतलब कि जितनी भी संख्याएं होंगी इनके फैक्टर 2 से अधिक आए, जैसे यहाँ पर हमने 4 का फैक्टर किया 1, 2, 3 फैक्टर आए, यहाँ पर 8 का फैक्टर किया तो 1, 2, 3, 4 फैक्टर हुए, और 9 का 1, 2, 3, 2 से अधिक फैक्टर होने पर भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर। अर्थात अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और
अर्थात दो से न कम न दो से ज्यादा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट 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 इनफिनिटी। अब देखिए यहाँ पर दो का वो फैक्टर करेंगे, ए दुक्के दो, दो इक्के दो, मान लो यहाँ पर हमने 3 ले लिया, ए तिक्के 3, 3 इक्के 3, अब यहाँ पर मान लो 11 ले लिए, एक इक्के 1, 11 इक्के 11। अर्थात कहने का आशय यह है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, न दो से कम न तो दो से ज़्यादा, इस प्रकार की संख्याएँ अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक से लेकर 50 तक की गिनती में टोटल है 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कितना होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। दूसरा फिर 50 से लेकर 100 तक की गिनती में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर बात की जाए 1 से लेकर 100 तक की गिनती में टोटल 15, 10, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। अर्थात वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं हमारी आती हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके हैं, लेकिन q ≠ 0, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। p/q एक कंडीशन होती है q ≠ 0, अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 5/7, -8/9 या यहाँ पर देखिए आप इसे 1, -5, 7। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पी होता है, पी को हम लोग पूर्णांक भी कह सकते हैं। पूर्णांक ये क्यू भी हमारा क्या होता है? पूर्णांक। जो पी होता है इसको हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और जो क्यू होता है इसको क्या बोलते हैं? हर। देखिए यहाँ पर पी का काम कौन कर रहा है? 2, और 3 का कार्य कर रहा है पूर्णांक का, हर का काम कर रहा है 3। पी हमारा 5 है, क्यू कितना है? 7। अगर बात की जाए कि 1, -5, 7 ये पूर्णांक है कि नहीं, जिसे हमें परिभाषा से ही पता चल रहा है कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पर एक छिपा है, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0, -5/0, 7/0 ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर का मान जो हमारा है 0 है। अगर हर का मान 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। व्हाट इरेशनल नंबर्स? ऐसी संख्याएं जो करनी से मुक्त ना हो, ऐसी संख्या जो करनी से मुक्त ना हो, इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे